इच्छाधारी नाग बन गए हैं, दारू पीना छोड़ दिया आपने। और भांग, भांग लेते हैं गुरु? हाँ, अभी भांग का असर तो नहीं है। एक भी दावा है, जो मर्द अपने को बहुत मर्दगानगी करेगा उसे मैं उस समय से चाह लूंगा तो मौत समय तक उसे नारी बनाकर रखूंगा। वो भी क्या, सोशल मीडिया स्टार बनने के चक्कर में तो नहीं आप इच्छाधारी नाग बने हैं? नाग नागिन की कहानी हमने फिल्मों में देखी है और किताबों में पढ़ी है, लेकिन जौनपुर में एक हैरत अंगेज कर देने वाली घटना सामने निकल कर आई है। प्रेम में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका कहना है कि मैं इच्छाधारी नाग हूं और रात को मुझसे इच्छाधारी नागिन मिलने आती है। 2012 में इनका कहना है कि ये इच्छाधारी नाग बन चुके हैं और आने वाली 2024 में ये अपनी योनि में चले जाएंगे, अर्थात इच्छाधारी नाग बन जाएंगे। अब मैं इनसे बातचीत करूंगा और इस बात के तह तक जाने की कोशिश करूंगा कि आज सच में ये इच्छाधारी नाग हैं या समाज और मीडिया को केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। क्या जी आप नाग हैं? हाँ भाई, मैं पूर्व जन्म का एक नाग हूँ। एक बार अगर जब आप इच्छाधारी नाग बनेंगे, तब अगर आप चाहेंगे अचानक, तब आप अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, आप विराट कोहली बन जाएंगे, कुछ भी, तो दुनिया को तो आप गुमराह करके खत्म ही स्वाहा कर देंगे एकदम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो गलतियां मेरे साथ कर चुके हैं, चाहे वह कानूनी प्रक्रिया से हो, चाहे अदालत के कोई जज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, आदि मेरे साथ अगर गलती किए हैं, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई और पराये हो, सबको माफ माफ नहीं। हाँ। अपने किए का सजा लो और हमें बिना गुनाह के रगड़ रहे हो, सच्चाई को बिना समझे तो हम खेल देंगे आप सीधा। अरे नहीं, ऐसा तो टंगा लाठी लेके तो नहीं आएंगे, लेकिन शक्तियों से तो ले ही लेंगे। हमारे ऊपर भाई कुछ मत करिएगा, शक्तियों से हम जो उल्टा सीधा सवाल पूछे उसके लिए भी आपसे माफी मांग लेंगे। जो नहीं, सवाल पूछने से किसी को इनकार नहीं है, क्योंकि हर सवाल का जवाब देंगे, किसी को अधूरा नहीं रखेंगे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके। भाई समय बहुत सारी बात बता दिया कि अब आप इच्छाधारी नागिन आपसे मिल रही है, तो कभी नागिन से हम लोग मिलवाइए। हम लोग केवल पिक्चरों में देखे हैं, सामने से देखना चाहते हैं। धीरे से धरो, मैं तो 12 साल 11 साल हो गए देखते हुए छुपे तौर में। अब जब 12 साल नागिन आती तो गाना बजता है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। नहीं नहीं, ऐसे मैं कुछ नहीं, तू सपेरा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है अभी नहीं तक हुई है। अभी हम लोग सृष्टि के अभी नागिन नाचेगी बढ़िया, आप भी झूम के एकदम नाचिएगा, मजा आ जाएगा एकदम गुरु। अभी तो हम लोग इस चलन में लगे हुए हैं कि ऐसी भगवान ने सृष्टि रचयिता जब रचा था तो क्या ऐसी कमियां आई कि एक दूसरे से लोग झूठ बोलने लगे या मारपीट करने लगे या बहुत सी सारी बातें हैं। नाग बन के आप दुखी रहेंगे खुश रहेंगे? देखिए, जो अभी दुख मिले हुए हैं ये तो दुख है, इस तरह से बैठ गए हैं मन में कि हम जगत के अधिपति के अधिकारी, तो क्या स्वयं शिव जी क्यों ना बन जाएं, एक बार भगवान बना दे हमको, लेकिन कोई खुशी नहीं। प्रकांड जो है विद्वान मुझे लग रहे हैं आप, भगवान शिव के बारे में कोई श्लोक सुनाइएगा हमको। अभी तो ऐसा कुछ सहम में नहीं है। इतने बड़े नाग हैं आप, इच्छाधारी बन जाएंगे, भगवान शिव का कोई श्लोक सुना दीजिए। बात तो जाहिर सी है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं। नहीं, ये सभी चीज़ें में अभी नहीं लगा है दिमाग, अभी तो वर्तमानी हालात को देखकर और भूतकाल की बातों में लगा रहता है हमेशा। वर्तमान की बातें, जैसे कोई काम करने लगा तो उसमें दिमाग लगा देता हूँ कि ये काम निपटाना है। अजय जी, या तो आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, नहीं, या तो आप एकदम बहुराए हुए इंसान हैं, नहीं, या ये हो सकता है कि भाई आपकी आप अलौकिक प्राणी हैं कलयुग में, जिसका मैं क्या ही जिसके बारे में बोलूं। अब एक हमारे पास ऑप्शन है इसका, बहुत ही अच्छा है, जिसे कि लोगों, देखने वाले भाइयों के लिए भी कह रहा हूँ और स्वयं आपसे भी कह रहा हूँ और बाकी जितने भी हैं बड़े बड़े एंकरों की बात कर रहा हूँ, कोई भी देख रहा हो मेरी टीवी को, सबको सम्मान है हमारी तरफ से। और आदि झूठा समझ रहे हैं तो कलम के चलाने वाले एक विद्वान जज भी होते हैं, हम अपनी जो लिखित सबूतें हैं उनको मैं आपके ही चैनल पर या आपको ही दे देता हूँ, आप उसको अपने किसी चैनल पर रख दीजिए और इसके बाद जिनको सच्चाई जाननी है वो लेकर और किसी डीएम के पास चले जाए, अपने जिले में डीएम पास जाए या फिर सिविल कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट जाए या इलाहाबाद में जाए। इच्छाधारी नाग बन के डीएम को चुनौती दे देंगे, जाकर को चुनौती दे देंगे। बिल्कुल, अगर मृत के अधिकार से पूरे जगत के अधिपति के अधिकारी में चिन्हित हूँ तो हमारे लिए एक दो चार चीज रट लिया है। सब पत्रकारों को बताते हैं मृत के अधिपति और ये बोल देते हैं, हो जाता है आपका कहानी। जैसे कि जिस चीज के हैं उसी चीज को बोलेंगे और जिसका नहीं है उसके लिए हम नहीं बोल सकते। ये बताइए तो, अभी आप जब से इच्छाधारी नाग बन गए हैं दारू पीना छोड़ दिया आपने? नहीं, ये सभी चीजें तो ऐसा है नहीं, अभी तो हुआ नहीं हूँ इच्छाधारी, लेकिन मैं कभी कभी मुझे लगता है कैसा ना अजय भाई दो पैक लगा तब इच्छाधारी नाग बनते हो। नहीं नहीं, ये गलत बातें हैं, मैं तो ये तो नहीं नहीं नहीं, हम पीते उते नहीं है, ना ही मटन मच्छी खाएं, ना ही तो अंडा खाएं, ऐसे चीजें नहीं, मैं सादा खाना खाता हूँ, सादा खाना और भांग भांग लेते हैं गुरु। हाँ,
अभी भांग का असर तो नहीं है। एक मिनट, यदि मैं भांग के असर में होता तो किसी भी प्रकार की जो बातें मैं कह रहा हूँ इतने सोलेड तरीके से हिंदी या किसी भी डीएम का नाम या किसी जज का नाम या किसी बड़े अधिकारी अधिवक्ता का इस तरह से मैं संचालन नहीं करता। नशे का मतलब ये होता है कि कुछ भी बोल देना, तो ये तो नशे की बात अलग है, लेकिन हम तो बगावत करते हैं नशे में भी अगर हमको करके, और जो बातें बयान में किसी की घटनाएँ हों वो रख दें मेरे सामने, मैं बता दूँ कि वो इसमें कौन गलत है, जो कलम से लिखी जाती है उससे मैं बता। 2024 के बाद आप त्रिलोकदर्शी हो जाएंगे, जैसे पूरे संसार का सारा ज्ञान होगा, कहीं से भी उठा के आप कुछ भी पूछ लीजिए, सारे सवालों का जवाब आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी सी भी दावा है जो मर्द अपने को बहुत मर्दगानगी करेगा उसे मैं उस समय से चाह लूंगा तो मौत समय तक उसे नारी बनाकर रखूंगा, वो भी क्या ख्याल करेगा कि बाबू किससे पाला पड़ गया। तो मर्दों को आप नारी बना देंगे 2024 के बाद? हाँ, बना के दिखा देंगे और स्वयं को भी बन के दिखा दूंगा कि मेरे अंदर है वो कृतियां की नहीं। आप अगर चाहेंगे तो मैं नारी बन जाऊंगा। बिल्कुल, हमको तो नहीं बनाएंगे ना, हमने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं भाई, ऐसे कैसे, इतने दुश्मन है, सब के सब नारी बन जाएंगे। नहीं, चाहूंगा तो बना दूंगा, और वैसे तो आएंगे का नहीं, शक्ति आएगा, दुरुपयोग तो करेंगे आप। नहीं, किए का गुनाह का सजा दे दूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है। बात तो जाहिर सा है कि कोई गुनाह करेगा किसी के साथ वो छोड़ेगा नहीं। और इच्छाधारी नाग बन के इतना वायरल हो गया, लोग पहचानने लगे नहीं आपको सड़क पे कि ये देखिए इच्छाधारी नाग जा रहा है, इच्छाधारी नाग जा रहा है, दौड़ाओ। बहुत ऐसे मेले वेले में हमारे मिल गए थे तो पकड़ लिए हाथ पैर पकड़े, बोले भैया जी नाग तो दिखाओ। नहीं, नाग बन के नहीं, वो बोलने लगे भैया जी आपका मैंने वीडियो देखा था। मैंने कहा ठीक है, देखे थे, मैं पहचाना नहीं। बोले कि मैं आपके बगल वाले गांव में हूँ, दूसरे तीसरे गांव के आसपास में, बताए। तो मैंने बोला क्या बात है, कहिए। कहें भैया हमको आपके साथ एक फोटो करनी है। तो मैंने कहा यार ये तो सोशल मीडिया स्टार बनने के चक्कर में तो नहीं आप इच्छाधारी नाग बने हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ना ही तो ऐसा कुछ सोच विचार के किया हूँ, क्योंकि ऐसा अगर करने का सवाल उठता है तो कहीं धन की कमाई के लिए लोग करते हैं, लेकिन हम ना ही तो कोई अपना चैनल बनवाया है और ना ही तो किसी पत्रकार से या कोई हमारे पत्रकार साथी हैं सुभाष, वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई नजर आती है आपकी आध्यात्मिक जो बातें होती हैं उस पर एक दिन चर्चा हो रही थी तो पता चला। नहीं, हम तो भैया अब तो गुजारिश करता हूँ बड़ी बड़ी अदालतों को भी, मैं आऊँगा एक बार उनमें भी, और सच्चाई क्या है इसे दुनिया के सामने रखें, और नहीं रखते हैं तो सब जज साहब के भी लिए दिक्कत खड़ा कर दूंगा। एक समय आएगा कि पत्रकारों के सामने आप नागिन को दिखाएंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, कुछ निर्धारित है? बिल्कुल बिल्कुल, आप इस बात से भयमुक्त रहिए कि जितनी बातें मैं कहा हूँ वो दुनिया को दिखाने से असमर्थ या फिर नाकाम रहूंगा, क्योंकि हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, और जो कहता हूँ वो आज कई साल हो गए हैं, होने से बाकी नहीं रहता, थोड़ा देर होता है लेकिन होने से बाकी नहीं रहता। आज 11-12 साल के दिन हो गए, कई ऐसे लोग फंस के निपट चुके हैं, कितने लोग तो धरती छोड़ दिए हैं सोचते फिरते कि इसके अंदर क्या। अब आखिरी में हम ये कहेंगे इच्छाधारी नाग बनिएगा तो हमारा थोड़ा भला करिएगा, धन उन दे दीजिएगा जो है, दुरुपयोग नहीं करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, लगाएंगे एकदम जाके। हाँ, हम सामाजिक कार्य के भी लिए बहुत अपने दिल दिमाग में रखा हूँ। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, छोटी सी हमारी परिचय चल रही है, अभी तो बड़ी बड़ी परिचय होगा। हाँ, अभी तो परिचय में ही चल रहा हूँ, अभी तो कोई नाम रोशन नहीं है, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो हमारा पूरा देश नहीं देख पाया है, दुनिया तभी लंबी पड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों आप देख सकते हैं ये अजय गौतम जी हैं जिनका दावा है कि अभी इस वक्त ये जो है इनके अंदर कभी कभी इच्छाधारी नाग आ जाता है, इच्छाधारी नागिन मिलने आती है, तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की इनकी पेशकश है, पत्रकारों का माथा एकदम ठनका हुआ है कि क्या सच्चाई है, कुछ पत्रकारों को लगता है कि ये नागिन भी दिखाएंगे, नागिन इनसे मिलने आती है, तमाम चीज़ें चलें सोशल मीडिया पर एकदम बेखौफ एकदम बेधड़क चौतरफा वायरल हो गए हैं, लोग अब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, अब सच्चाई क्या है हमको भी नहीं पता है, हमको डर लग रहा है भाई अभी छुए तो क्या पता कोई नाग और कोई नागिन यहाँ से निकले तो हमारा भी यहाँ सफाया हो, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बने हमारे साथ, मेरा नाम आकाश सिंह है, आप लंका ध्यान देख रहे हैं, ये देख लीजिए इनका थोड़ा कुटिया देखिए, जिस जंगल में रहते हैं पपई हो, मुझे एकदम दिन में डर लग रहा है, यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा जो है, और इसी के साथ आप देखिए अगले वीडियो में ये क्या कुछ कहते हैं।